सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सोलहवें अध्याय में देवासुर संपद का अध्ययन चल रहा था। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने शिविर में एक बात बताई हमें सुबह कि हमें चीजों को ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, बल्कि उनका हमें तत्व ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा प्रामाणिकता से, उसी को दूसरे शास्त्रों में, दूसरे दर्शन आदि ग्रंथों में उसको कहा तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब है जो उस वस्तु का स्वरूप है वैसा ही उसको देखना, जानना, मानना, वैसा ही उसके साथ फिर व्यवहार करना। जब हम चीजों को उस रूप में नहीं देखते हैं तो फिर हमारे से त्रुटियां होती हैं, व्यवहार में भी त्रुटियां होती हैं और दूसरों के प्रति व्यवहार में भी त्रुटियां होती हैं, अपने प्रति व्यवहार में भी त्रुटियां होती हैं और हमें वो चीजें नहीं मिलती हैं जिनके लिए हम प्रयास कर रहे होते हैं। तो वो तत्व ज्ञान की दृष्टि मिले कैसे, चीजों को हम ठीक ठीक कैसे देखें, किस समय क्या करने का टाइम है। अब ये दृष्टि ही तो है ना, क्लास के टाइम क्लास में जाना चाहिए, योग के टाइम योग में जाना चाहिए, यज्ञ के टाइम यज्ञ करना चाहिए, व्यायाम के टाइम व्यायाम करना चाहिए, खाने के भोजन के टाइम में भोजन करना चाहिए, फिर वो किस भाव से करना चाहिए, फिर वो कितनी मात्रा में करना चाहिए, फिर उसमें दूसरे की का भी ख्याल रखना चाहिए कि मेरे इस काम से, मेरे एक प्रमाद से, आलस्य से कितने लोगों को कष्ट ना हो जाए। तो ये सारा है ठीक ठीक देखना, लेकिन वो दृष्टि मिले कैसे, उसका उपाय क्या है, उसका उपाय ये बता रहे हैं। और जैसे आज स्वामी जी महाराज ने सुबह भी बताया, प्राय बताते भी रहते हैं कि जैसे ये जो जैनी हैं उन्हें अणुव्रत, अणु का शाब्दिक अर्थ छोटा भी होता है, छोटे छोटे व्रत, पंच अणुव्रत है ना उनके। हमारे यहाँ पंच यम है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, वही उनके वहां पंचशील या पंच अणुव्रत ऐसे दिए हैं। पंचशील बौद्धों का है, अणुव्रत पांच जैनियों का है। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी यात्रा पूरी होती है, एक एक कदम मिला करके। बैठ जाएंगे विद्यार्थी और कल से समय पे आएंगे, बैठो। तो हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है अपने जीवन में। तो हम इसमें चार चीजें हम पढ़ चुके थे, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांति अपैशुनम। त्याग तक हमने पढ़ा था उस दिन। तो त्याग, अच्छी चीजों का भी त्याग होता है और बुरी चीजों का भी त्याग होता है, त्याग में दोनों आती हैं। कुछ अच्छी चीजों का त्याग हम दूसरे की खुशी के लिए करते हैं और बुरी चीजों का त्याग हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। अच्छी चीजों का त्याग करने से दूसरे को खुशियां मिलती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, और बुरी चीजों का त्याग करने से हमें खुशी मिलती है। तो त्याग दोनों में ही त्याग का प्रयोग किया जाता है, अच्छी चीज के लिए भी बुरी चीज के लिए भी। और उसकी
कोई बहुत बड़ी उसका कोई स्वरूप है, ऐसी उसकी कोई सीमा है, ऐसा भी नहीं है। छोटे छोटे त्याग से, अपनी छोटी छोटी सुबह उठने का किसी का स्वभाव नहीं है, अब ये एक आदत है लेकिन बुरी आदत है, तो उसका त्याग। किसी का बहुत खाने का अभ्यास है, तो ये भी एक बुरी आदत है, उसका त्याग। किसी की आदत है चुगली करने की, यद्यपि वो आगे आ रहा है, अपैशुनम कहा है, उसका त्याग। तो आलस्य का, प्रमाद का, निंदा का, चुगली का और घृणा का, द्वेष का, इन सब का त्याग। ये सारे अपने खुशी के लिए ये त्याग किए जाते हैं। आगे कहा शांति ही, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में भी शांति की प्रतिष्ठा हो और हमारे आसपास जो दूसरे लोग हमसे जुड़े हैं उनके जीवन में भी शांति की प्रतिष्ठा हो। कोई भी ऐसा कर्म हमसे ना हो जिससे हमारी शांति का भी नाश हो और हम किसी दूसरे की भी शांति का हनन ना करें। तो ये इसका पूरा एक मंत्र ही है, और पूरा एक एक नहीं, अनेकों मंत्र हैं वेदों में, अनेकों सूक्त हैं इसके लिए। पर अपने यहाँ वैदिक परंपरा में तो जब हम कोई कार्य करते हैं, यज्ञ आदि, तो उसके लास्ट में फिर हम शांति पाठ करते हैं, योग करते हैं तो भी लास्ट में शांति पाठ करते हैं। माने हमने जो कर्म किया वो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? शांति प्रतिस्थापित करने वाला होना चाहिए। तो फिर हम उसका एक विजुअलाइजेशन करते हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर कि शांति कहाँ कहाँ है। द्युलोक में शांति, द्युलोक में शांति का मतलब क्या है? द्युलोक में शांति का मतलब है वहां जितने भी सूर्य आदि जो स्टार्स हैं, बड़े ग्रह हैं, जो वो सब कैसे अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट में नियम पूर्वक घूम रहे हैं, वो इधर उधर नहीं जाते हैं, कभी थोड़ा तेज घूमे, कभी बहुत कम घूमे, ऐसा नहीं करते हैं। वो एक रिदम में घूम रहे हैं, तब सृष्टि चल रही है। अगर सूर्य इस तरह से करने लगे जैसे हम कक्षा में करते हैं, किसी दिन टाइम पे आ गए, किसी दिन लेट आ गए, किसी दिन आए ही नहीं, किसी दिन कमरे में सोए रहे, अगर सूर्य ऐसे करने लगे तो सृष्टि का क्या हाल होगा फिर? किसी दिन तो सूर्य बहुत जल्दी निकल जाए, 4 बजे आपकी नींद भी पूरी ना हो तभी, और किसी दिन निकले 10 बजे कि आज तो रेस्ट कर लेते हैं 8 दिन में, एक दिन संडे अपना ही डे मना ले। ये संडे मनाने की जो परिपाटी है ये पश्चिम के देशों की है, क्योंकि वहां पर लगभग 4 महीने सूर्य दिखाई देता, 8 महीने तो दिखाई नहीं देता है, कोहरा सा, धुंध सा, ऐसा मौसम बना रहता है। मेरे को ध्यान है जब हम 2012 में गए थे यूके, तो जिस दिन हम वहां गए तो उस दिन बहुत अच्छी ऐसी धूप थी, तो वो लोग इतने खुश हो रहे थे, वो कह रहे थे टुडे सन्नी डे, आप आए, कितना सौभाग्य, देखो आज सन आ गया। तो हम सोच रहे हैं हमारे यहाँ तो रोज सुबह पहले आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये तो हमारे यहाँ आता है इसलिए हमें बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि सहज सुलभ जो चीज होती है उसकी व्यक्ति कीमत नहीं समझता है, जब वो दुर्लभ हो जाती है तब उसकी कीमत का पता लगता है। तो वो जिस दिन धूप आती उस दिन थोड़ा सा बेचारे रिलैक्स करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए वो संडे मनाते हैं। तो चलो हमने भी इसको ले लिया। पर सूरज अगर ऐसे संडे मनाने लगे, एक दिन आए 10 बजे, एक दिन आ जाए सुबह 4 बजे, एक दिन आए ही ना, तो फिर सृष्टि कैसे चले? तो देहु शांति का मतलब क्या है? वो अपने अपने जो उनका कर्तव्य कर्म है उसको वो कैसे करते हैं? एक रिदम में करते हैं, एक नियम से करते हैं। स्वामी जी एक दिन तो शिविरार्थियों को बुला करके आ जाए 5 बजे, 4:45, फिर दूसरे दिन आए 6 बजे, और तीसरे दिन आए ही नहीं, तो फिर संगठन खड़ा होगा? इतना बड़ा काम हो पाएगा? रोज का काम ठीक टाइम पे करना, यही तब शांति बनी रहती है, नहीं तो शांति फिर भंग होती है, अपनी भी होती है
दूसरे की भी होती है। तो सूर्य अगर रिदम में ना चले तो सूर्य का अपना नुकसान भी होगा और पूरे ब्रह्मांड उससे प्रभावित हो जाएगा, और किसी दूसरे के ऑर्बिट में चला जाए तो तब तो वो दूसरे को मार ही डालेगा, उसका खुद का भी विनाश होगा, दूसरे का भी कर देगा। इसलिए हम कभी कभी दूसरों के कर्मों में हस्तक्षेप करते हैं तो उससे हमारी भी हानि होती है और दूसरे की भी हम शांति को भंग करते हैं, तो हमें इससे बचना है। इसी को हिंसा कहा है, अपनी भी हिंसा नहीं करना, दूसरे की भी नहीं करना, दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना। तो त्याग शांति, द्यहु शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपह शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवाह शांति। विश्वे देवाह मतलब संपूर्ण जो दैवी शक्तियां हैं वो कैसे कार्य कर रही हैं, शांतिपूर्वक, बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं लेकिन शांतिपूर्वक कर रहे हैं। सूर्य कितनी गति से घूम रहा है, पृथ्वी कितनी गति से घूम रही है, तो गति तो है लेकिन गति भी कैसी है, शांतिपूर्वक। सागर में कैसे लहरें उठती हैं, कितना मतलब वो गतिमान रहता है लेकिन तो भी अंदर से वो शांत है और कभी भी अपनी सीमाओं को लांघता नहीं है। तो ये सारे शांति ही शांति का हमें संदेश दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में कोई भी हम कर्म करते हैं उसके बाद कर्मकांड के बाद शांति पाठ, मतलब मैंने जो काम किया है ये मेरा कार्य कैसा हो, उस सारी शांति के साथ ये ट्यून हो जाए, उस शांति को भी बढ़ाने वाला हो जो बाहर सब जगह है, और वो जो सब जगह है सा शांति माम एधि, सा मा शांति एधि, सा शांति माम एधि, वो मुझे भी प्राप्त हो, बाहर जो शांति है वो मुझे भी मिले। तो हमारे कर्मों से हम एक ऐसा वायुमंडल बनाएं जिससे हमारे अंदर भी शांति की प्रतिष्ठा हो और बाहर भी सब शांति की प्रतिष्ठा स्थापित करने में हम निमित्त बने। त्याग शांति अपैशुनम, पिशुनता कहते हैं चुगली करना, निंदा करना, और अपैशुनम मतलब चुगली ना करना। तो ये भी अपने आप में चुगली करना आसुरी संपदा को बढ़ाना है और किसी की निंदा ना करना ये दैवी संपद को बढ़ाना है। हम क्या करते हैं, हम किसी व्यक्ति के दोष दुर्गुण उस व्यक्ति को तो बताते नहीं हैं जिसके अंदर वो दोष है, और दूसरे के सामने चर्चा करते हैं तो हम डबल हानि ट्रिपल हानि करते हैं। पहली हानि तो ये है कि हमने जब उसका दोष देखा तो उसको नहीं बताया तो हमारी हानि तो हुई ही लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ, जब उसको बताया ही नहीं तो वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। और दूसरी हानि ये हुई, एक व्यक्ति उदासीन बैठा था, तटस्थ बैठा हुआ था, शांति से बैठा हुआ था, हमने उसमें भी जहर का इंजेक्शन लगा दिया, विष को इंजेक्ट कर दिया। जब हम किसी दूसरे के दोष किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं, दूसरे को नहीं बताते, उसी को नहीं बताते, तो हमने उसका जो शांत था चित्त उसको भी कैसा कर दिया, अशांत कर दिया, तो ये डबल नुकसान हो गया। और ट्रिपल नुकसान ये है कि इन मेरा नुकसान हुआ, उसका हुआ, तीसरे का सुधार हुआ नहीं, तीन जगह से अशांत हृदय करके सारे इस विश्व को भी विषैला बना दिया, क्योंकि अब तीन लोग अपने वाइब्रेशंस छोड़ेंगे। तो ये एक भी बार जब हम किसी दूसरे के दोष को देख करके, या तो उसी व्यक्ति को बताना और उसको इस भाव से बताना कि फिर वो दोबारा ना करे, इस भाव से बताना, और या फिर उसको भी नहीं बता रहे तो कम से कम दूसरे को ना बताएं। अगर अपने ही पास रखना है तो फिर हम ये ना करें कि भाई उसको तो बताया नहीं और किसी तीसरे को बता देते हैं, और फिर हम उसको कहते हैं कि अब आप किसी के सामने चर्चा मत करना। तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो तीसरा व्यक्ति चर्चा नहीं करेगा,
क्योंकि वो तो हम ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो दूसरा अपने ऊपर कंट्रोल कर लेगा। ये आशा हम कैसे कर सकते हैं उस व्यक्ति से? वो भी बताएगा किसी ना किसी को, फिर वो भी बताएगा किसी ना किसी को। तो ये ऐसे एक साइकिल चलता है। एक जगह वो शुरुआत हो गई कहीं से, तो फिर पता नहीं वो कहाँ जाके रुकती है, और तब तक तो वो कईयों के नुकसान कर चुकी होती है। कभी कभी जैसे इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी कोई फेक न्यूज़ डाल देते हैं, या जो नहीं डालनी चाहिए वो डाल देते हैं, कोई पर्सनल डाल दिया जैसे, और फिर उसको देखा तो पता लगा, रे ये क्या डाल दिया, ये तो नहीं डालना चाहिए था। लेकिन जब तक उसको डिलीट किया तब तक वो पता नहीं कितनों ने शेयर कर लिया, कहाँ तक हो चुका, कितनों का नुकसान हो चुका है। तो एक बार किसी एक जगह से कोई गलत शुरुआत होती है तो फिर उसका बहुत बड़ा प्रभाव जाता है। और ये केवल इतना ही नहीं है, जैसे हम अपनी इस कक्षा में जब जब भी हम शांति की एक यहाँ स्थापना करते हैं तो वो शांति पूरे विश्व के साथ ट्यून होती है, ऐसा नहीं वो इस कक्षा में ही रहती है। और जब इस कक्षा में अशांति होगी किसी भी कारण से, आपके लेट आने से, आपके पाठ याद ना करने से, आपके सोने से, यहाँ सो भी जाते हैं कभी कभी कुछ, और फिर मैंने डांटा, तो ये जो अशांति हुई इसका इफेक्ट कहाँ होगा? केवल इसी कक्षा में नहीं होगा, पूरे यूनिवर्स में होगा। जैसे कोई शीतल झील है, आपने एक बहन का नाम भी शीतल है, कोई झील है, शीतल है, शांत है, और उसमें हमने उठा के एक कंकर मारा, वो बिल्कुल शांत थी शाम के समय में, एक कंकर उठा के मारा तो वहां से एक लहर उठी बीच में मारा, फिर उस लहर ने दूसरी लहर को उठाया, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, लास्ट में किनारे तक जा करके, तो वो जो छोटा सा कंकर था उसने कितने पानी को प्रभावित किया? पूरी झील के पानी को प्रभावित किया उसने, देखने में छोटा सा कंकर था। तो हमारी जो ये वाइब्रेशंस हैं और जो हमारे ये कर्म हैं, ये केवल हमें प्रभावित नहीं करते हैं और केवल हमारे पास वाले को ही प्रभावित नहीं करते हैं, पूरे यूनिवर्स को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति ने खोज की कि यहां पर कोई एक तितली यदि ऐसे पंख फड़फड़ाती है ना, तितली, छोटी तितली, तो वो ही वहां पश्चिम के देशों में जाकर के तूफान ला सकती है। ये इतनी जो वाइब्रेशन पैदा हुई ना, ये बढ़ते 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 जब वहां पहुंचेगी तब तक क्या हो जाएगा? वो ही तूफान हो जाएगा। इतना प्रभाव पड़ता है हमारे विचारों का, हमारी वाइब्रेशंस का, हमारे भावों का, वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तब। तो कोई भी इस तरह का अशांति वाला काम जब कोई फैलाता है तो थोड़ी थोड़ी ही देर में, अब हम यहां से अजय जी को हॉस्पिटल लेके गई, कितने लोगों ने देखा होगा? कुछ गिने चुने लोगों ने देखा होगा, लेकिन उन्होंने 10 लोगों ने, 10 भी छोड़ो, 5 लोगों ने या 4 लोगों ने भी अगर उस न्यूज के बारे में बताया तो कितनी देर में वो पूरे देश में फैल गई? मात्र 1 घंटे में, 1 या 2 घंटे में आग की तरह फैलती हैं ये चीजें। 2 घंटे में तो पता नहीं कितने तरह की बातें, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। एक व्यक्ति ने किसी अपने दोस्त को बताया होगा कि आज हमने वहां से ऐसे जाते हुए देखा एक काफिला, फिर उसने उसमें कुछ और नमक मिर्च मिला करके दूसरे को बताया होगा, फिर उसने और 10 को बताया होगा, फिर उसने और 50 को बताया होगा। तो चली तो एक से थी ना शुरुआत, तो कहीं एक से हुई थी ना, और एक से शुरुआत होने वाली ये शुरुआत इतनी फास्ट गति से हुई कि 1 घंटे में कितने लोगों तक पहुंच गई है? करोड़ों लोगों तक। तो ये मल्टीप्लाई होती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि बस एक जगह हुआ और फिर वो वहीं खत्म हो गया, अच्छी भी बुरी भी दोनों। अच्छी भी ऐसे ही होती हैं, स्वामी जी ने अकेले योग किया था गंगोत्री में, बस ये देखना है कि उसमें शक्ति कितनी है, कितने सशक्त तरीके से उसको पेश किया जाता है।
फिर तो मल्टीप्लाई हो जाती है। अकेले योग किया, फिर अजय जी ने किया, फिर उन्होंने कुछ 8-10 लोगों का शिविर लगाया। शुरुआत तो वहां से हुई थी ना, 10 लोगों के शिविर से, और आज वो 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। तो इसलिए इन्होंने जो दैवी संपद को बढ़ाने के लिए एक विशेषण लगाया, वो है अपयिशुनम, दूसरे के दोषों को किसी दूसरे के सामने नहीं बताना, अर्थात चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना। तो जब अब अगली बार किसी का दोष आप किसी को बताने लगे तो क्या याद करना, अपयिशुनम। गीता में मेरी दैवी संपद को बढ़ाने के लिए क्या साधन बताया गीता में, अपयिशुनम, पिशुनता नहीं करना, चुगली नहीं करना। तो फिर आपके मन में आएगा कि फिर अब क्या करूं, दोष बताने का वो बना हुआ है ना स्वभाव, छिद्रन्वेषण करने का, तो अब मैं क्या करूं। तो किसी किसी व्यक्ति को तो बड़ी बेचैनी होती है, जैसे अंदर से उल्टी आ रही हो या खांसी आ रही हो और उसको कहा जाए यहाँ खांसना नहीं है या वोमिट कर नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करेगा वो, परेशान हो जाएगा बहुत। तो वो कहीं ना कहीं तो कहीं कोने में इधर उधर ग्राउंड में जाके, फिर वो बाहर जाके, भाई क्लास में नहीं खांस सकते तो गेट खोल के बाहर जाएगा, वहां खांस करके फिर आएगा, क्योंकि वो रह नहीं सकता है, अंदर से खांसी उठ गई, खांसी हो रखी है, तो क्या करेगा, फिर छींक आ रही है तो बाहर जाएगा वो। तो जब ऐसे मन में उठ जाए कुल बुलाहट कि मेरे को तो ये दोष दिख रहे हैं तो किसको बताऊं, तो फिर क्या करोगे, क्या करेंगे, ग्राउंड में, उत्तव जी कह रहे हैं ग्राउंड में जाएंगे, है जी, नहीं उसको वो सुनने को तैयार नहीं हो तब ठीक है, ये भी ठीक है कि उसी को ही बताना, और फिर भी वो नहीं भी सुने तो फिर क्या करना है, तब क्या करना है, उदासीन हुआ जाए तब तो आ रहा है मन में, कुल बुलाहट हो रही है, ऐसी ही कुल बुलाहट होती है जब किसी के, हैं? हाँ ये भी अच्छा उपाय है, लिख लिया जाए उसको पेपर में, फिर पेपर का क्या करना है, और नहीं, पेपर को जला देना है, रख मत लेना उसको, रख लिया तो एटम बम तैयार कर लिया आपने, बम को पास नहीं रखना, उसको लिखा और फिर उसको जला दिया, तो हम उसको दोषों उनके दोषों को दूर करने में सफल होते हैं, ये एक तरीका है। और क्या कर सकते हैं, नहीं, बड़े को तो फिर इंजेक्ट कर ही दिया आपने, बताना नहीं किसी को, यही तो बोला सलाह, क्या वो तो आपने सुधार दिया, चुगली करोगे बड़े के पास जाके कि वो ऐसा है, सहा जाए तब तो बात यही तो, ये सहा ना जाए तब क्या करें। हाँ ईश्वर से शेयर कर सकते हैं, ईश्वर से शेयर कर सकते हैं कि इसका ये दोष है, ये इसके ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, और इसके ना हो तो मेरा ठीक हो जाए, कम से कम मेरी जो कुल बुलाहट है ना ये मिट जाए, कम से कम मेरा चित्त परेशान ना हो, ऐसा कुछ तो करो, या तो उसको ठीक कर दो या मेरे को कर दो दोनों में से एक को ठीक कर दो। तो हमें इस तरह के तरीके अपनाने चाहिए उस समय में, त्यागः शांति अपयिशुनम, दया भूतेषु, भूतों पर दया, भूत मतलब प्राणी, और प्राणियों में सबसे पहला प्राणी कौन है, मैं हूं, मनुष्य नहीं, तो पहली दया अपने ऊपर करना। तो हम अपने ऊपर ही दया नहीं करते, अपने ऊपर ही क्रूरता करते हैं। 4 प्रकार की दया होती है, एक भगवान की दया, भगवान की 2 होती है, एक दया एक कृपा, 2 शब्द सुने आपने, एक भगवान की दया होती है, एक भगवान की कृपा होती है, फिर एक दया होती है देवताओं की, ऋषियों की, फिर तीसरी दया होती है साधकों की, जो साधक लोग हैं, फिर चौथी दया होती है मनुष्यों की, और मनुष्यों में भी फिर 3 प्रकार की दया होती है, उत्तम, मध्यम, सामान्य।
तो ये ईश्वर की दया और ईश्वर की कृपा क्या है? जब हमारे कोई अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, ये ईश्वर की दया है। जब चीजें हमारे अनुकूल चल रही हैं तो ईश्वर की दया है, और जब चीजें हमारे प्रतिकूल चल रही हैं तो ईश्वर की कृपा है, क्योंकि हम उस घड़ी में ईश्वर को ज्यादा याद करते हैं, उसको ज्यादा बुलाते हैं, और उसमें हम थोड़ा सा हमारा जीवन अपलिफ्ट होता है। प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, तो जीवन का थोड़ा सा उत्थान होता है, तो वो ईश्वर की कृपा है। तो आज के बाद जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई तो हम क्या सोचें? कृपा आई है मेरे पास। जब जीवन में कुछ ठीक ठाक करते हुए भी कोई इस तरह से कभी आ जाती है ना चीजें, तो ऐसी कभी चीज आए अनपेक्षित, तो हमें क्या सोचना है? कृपा आई है, भगवान ने कृपा भेजी है मेरे लिए, और फिर वो सचमुच कृपा ही हो जाती है। फिर है देवों की दया। देवों की दया मतलब दूसरे की भलाई के लिए अपने शरीर तक को भी दान दे दिया। दधीची ने इंद्र को, उसको असुरों से युद्ध करना था तो उसको वज्र बनाना था, तो उसको उस वो वज्र ऐसा बनाना था जिसपे असुरों के प्रहार का कोई असर ना हो। तो उनको किसी ने बताया कि अगर कोई ऐसा ऋषि, कोई संत, कोई योगी, कोई धर्मात्मा मिल जाए और वो यदि अपनी हड्डियां देने को तैयार हो जाए, क्योंकि उसकी हड्डियों में इतनी ताकत आ जाती है कि असुर उसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हैं साधना से, मतलब स्थूल जो ढांचा है उसमें भी इतनी पावर आ जाती है, सूक्ष्म में तो आती ही आती है, तो तब तो आप इनको पराजित कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि उस समय तो दधीची सबसे ज्यादा तपस्वी थे धरती के ऊपर, तो इंद्र ने जाके उनसे प्रार्थना की कि हमें ऐसे ऐसे युद्ध करना है, अगर आप अपनी हड्डियां दें तो। उन्होंने खुशी खुशी अपनी हड्डियां दे दी, शरीर छोड़ दिया, और उन हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाया, उससे फिर असुरों को पराजित किया। तो ये देवों की, शिवी ने अपना मांस दे दिया था, शिवी की कथा सुनी है ना? है? नहीं सुनी है तो आज का तो हो गया टाइम, नहीं सुनी है तो फिर इसकी चर्चा कल करेंगे। तो इस पे आप अपना विचार करके आना, ईश्वर हमारे ऊपर दया और कृपा किस किस रूप में करते हैं, देव किस रूप में करते हैं, मनुष्य साधक किस रूप में करते हैं, मनुष्य किस रूप में, किस किस रूप में दया हो सकती है, इस पे आप भी चिंतन करके आए। फिर आज का समय हो गया, यहीं कक्षा को विराम देते हैं। शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः।